लोक जनशक्ति पार्टी के छिड़े घमासान के बीच चिराग पासवान कोर्ट पहुंच गए हैं। चिराग पासवान ने दिल्ली हाई कोर्ट में आज याचिका दायर कर दी है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। चिराग ने पशुपति कुमार पारस को लोजपा कोटे से मंत्री बनाने पर कड़ा एतराज जताया है। ट्विटर पर चिराग पासवान ने लिखा है, प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार का पूर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं, लेकिन जहां तक LJP का सवाल है, श्री पारस जी हमारे दल के सदस्य नहीं है। पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री उनके गुट से बनाए जाएं तो LJP का कोई लेना देना नहीं है। पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के कारण लोक जनशक्ति पार्टी से भी श्री पशुपति कुमार पारस जी को पहले ही पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा एतराज दर्ज कराती है। चिराग पासवान की ओर से आज दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। हालांकि ये याचिका पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बनाने के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्हें लोकसभा में लोजपा संसदीय दल का नेता बनाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ है। चिराग पासवान ने ट्विटर पर लिखा है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा पार्टी से निकाले गए सांसदों में से श्री पशुपति पारस जी को नेता सदन मानने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उनके फैसले पर पुनः विचार याचिका दी थी, जो अभी भी विचाराधीन है। लोक जनशक्ति पार्टी ने आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष के प्रारंभिक फैसले जिसमें पार्टी से निष्कासित सांसद श्री पशुपति पारस जी को लोजपा का नेता सदन माना था के फैसले के खिलाफ आज दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। इससे पहले 6 जुलाई को चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसमें उन्होंने चाचा पशुपति पारस और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से लोजपा में एक हलचल, 5 सांसदों ने पार्टी और संस्थापक के विचारों को कुचलते हुए एक अलग गुट बना लिया है। इन अलग गुटों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। इन लोगों ने महज एक औपचारिकता पूरी करके नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया। पारस गुट ने जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक बुलाई वो वैध नहीं है। ये लोग रामविलास जी के हर फैसले का विरोध कर रहे हैं। 95% से ज्यादा पार्टी के लोग हमारे साथ और सारे लोग वे हैं जिनको मेरे पिता ने नियुक्त किया। महज 10 से 12 लोगों को मैंने नियुक्त किया। अकेले चुनाव लड़ने का फैसला मेरे पिता का था, न कि मेरा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग का है। मेरे पिता ने खुद मेरे चाचा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया था और मेरे भाई प्रिंस राज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आप जो नीतीश कुमार के साथ है, वही नीतीश कुमार ने मेरे पिता के राजनीतिक जीवन की हत्या की है। हमारे नेता रामविलास जी की बढ़ते कद को गिराने के लिए नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।